हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूज़ ऑफ़ कुड, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था यूज़ ऑफ़ कैन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को शो करने के लिए करते हैं। आज हम कुड के बारे में पढ़ेंगे, ये पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए है, ठीक है। फिर हम लोग अभी एक ही बात पढ़ेंगे, बाकी और भी चीज़ें इसमें कुड का इस्तेमाल करते हैं। हम जब डिटेल जो उसके बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ट्रांसलेशन सिखाना है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कुड का मतलब क्या होता है। कुड के माना सकता था, ठीक है। कुड के माना क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। अब इसका रूल के अफर्मेटिव में पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद खुद का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर कुड नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में पहले कुड, पहले उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस, लुक एट हियर। एक एग्जांपल्स के तौर पर मैंने तीन दो क्वेश्चंस लिखे हैं। मेरा बेटा हिंदी लिख सकता था। माई सन कुड राइट हिंदी। माई सन, मेरा बेटा, माई सन हो गया। उसके बाद सकता था, कुड हो गया ना, सकता था, कुड। उसके बाद क्या क्या सकता था? लिख, कुड राइट, लिख बेटा सब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट में आइए, सकता था, कुड क्या सकता था? लिख, लिख रहा, राइट, क्या लिख सकता था? हिंदी, कुड राइट हिंदी। माई सन कुड राइट हिंदी, मेरा बेटा हिंदी नहीं लिख सकता था। तो फिर पहले लिखेंगे माई सन, ठीक है। उसके बाद सकता था, कुड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, कुड नॉट, क्या नहीं सकता था? लिख, लिखने का राइट, हिंदी, हिंदी लिख देंगे, कुड नॉट राइट हिंदी। उससे था क्या मेरा बेटा लिख हिंदी लिख सकता था? पहले लिखेंगे कुड, उसके बाद जो है पहले आप सब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी सेम लगाएंगे, ठीक है। माई सन राइट हिंदी, ठीक है। ये हो गया, दूसरा तरीका भी आप देख लें। ये रहे एग्जाम्पल्स आपके लिए, आप इसको देख कर समझ लें। और अब रहा ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड माई लेसन। आज का सबक याद आपको समझ में आ गया होगा। आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। Thank you very much. See you again in next video.